brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। Recognize me? It's your favorite president. No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. अमेरिका में जीत हार के बीच रार ठनी हुई है। एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर हार न मानने की जिद है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार नहीं मानने पर अड़े हुए हैं। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि नवंबर में हुए चुनावों में उनकी जीत हुई है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली के आरोपों को भी दोहराया है। ट्रंप ने बड़े अक्षरों में ट्वीट किया, मैंने चुनाव में जीत दर्ज की, पूरे देश में चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने न सिर्फ हार मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि वो व्हाइट हाउस छोड़ने को भी तैयार नहीं है। साथ ही ट्रंप लगभग हर दिन व्हाइट हाउस से करीब 40 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में गोल्फ खेल रहे हैं। ट्रंप की अपील के बाद जॉर्जिया में हुई दोबारा वोटों की गिनती का काम भी पूरा हो चुका है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को पहली मतगणना के नतीजों की तरह ही हार का सामना करना पड़ा है। वहीं नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अविश्वसनीय रूप से हानिकारक संदेश भेजे हैं। अमेरिका में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। अब ऐसे में किस कानून के तहत अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं जानकारों के मुताबिक अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो अमेरिका में राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है।